ठीक है मम्मी जी, मैं ये घर छोड़कर अलग हुई जा रही हूँ, लेकिन मेरे मायके से जो कुछ भी मुझको मिला था वो सब मुझको वापस कर दीजिए, करुणा ने बहुत ही निडरता से कहा। ये लो जी, अब इनकी बात सुन लो बहू, तुम्हारे मायके वालों ने दिया ही क्या था जो मांग रही हो, त्रिवेणी बहुत ही ढीठता के साथ बोली। अब आप ये क्या कह रही हैं मम्मी जी, आपकी मांग के हिसाब से मेरे मम्मी पापा ने अपनी हैसियत ना होते हुए भी बहुत कुछ दिया था, और वो गहने भी जो मम्मी ने अपनी मम्मी के हमको शादी में चढ़ाए थे, और जिनको शादी में एक बार पहनने के बाद मेरे होते हुए भी जिनकी शक्ल दोबारा देखने को नहीं मिली, आपके मुताबिक वो आपके पास ही सुरक्षित थे, करुणा की थोड़ा चिढ़कर बोली। ए लड़की, अक्सर त्रिवेणी करुणा ऐसे ही शब्दों से नवाजा करती, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं? ये जो 2 साल से इस घर में महारानी की तरह रह रही हो ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? समझ लो कि वो तुम्हारा 2 साल का इस घर में रहने का किराया हो गया। फिर से त्रिवेणी बहुत ज्यादा बेशर्मी से बोली, मम्मी जी ये क्या कह रही हैं आप, क्या ये घर हमारा नहीं था जो आप इस घर का किराया मुझसे मांग रही हैं? करुणा को त्रिवेणी से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, माना कि वो उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन इतनी घटिया सोच जिसकी परिकल्पना भी करुणा ने नहीं की थी। बहू, बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो, आखिर तुम्हारा कौन सा घर, तुम्हारा इस घर पर कैसा अधिकार, क्या तुम इस घर को मायके से लेकर आई थी? त्रिवेणी बेशर्मी की जैसे सारी हदें पार कर रही थी। चलिए आपको पहले मिलवाते हैं सारी परिस्थितियों से। समीर ने मध्यम वर्गीय परिवार की करुणा के साथ मनपसंद ब्याह किया था। समीर बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का, बहुत ज्यादा चतुर ना होने के कारण ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसकी एक छोटी सी किराए की परचून की दुकान थी, करुणा वही सौदा पानी लेने आती थी। कब समीर का दिल करुणा पर आ गया पता ही नहीं चला, और करुणा को भी शांत और सरल स्वभाव का समीर बहुत अच्छा लगता। जब घर के छोटे बेटे समीर की शादी की बात चली तो त्रिवेणी ने उसकी शादी को भी दहेज के तराजू पर तोलना चाहा, क्योंकि करुणा का बड़ा बेटा अनिल बैंक में नौकरी करता था और उसकी ससुराल से भरपूर दहेज मिला था। बस त्रिवेणी यही सब कुछ समीर के ससुराल से चाहती थी, लेकिन समीर ने उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया और समीर करुणा के साथ शादी करने के लिए जिद पर ही अड़ गया। पहले तो त्रिवेणी ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब समीर ने अपने पवित्र प्यार को अपनाने के लिए घर छोड़ने की धमकी दी तो त्रिवेणी ने हाँ तो कर दी, लेकिन करुणा के मायके वालों से तरह तरह के सामान की फरमाइश कर दी। करुणा के मायके वालों ने किसी तरह से थोड़ी बहुत फरमाइश पूरी भी कर दी, लेकिन त्रिवेणी ने करुणा को बिल्कुल भी दिल से नहीं अपनाया, और जब देखो तब करुणा को बहुत खूबसूरत खूबसूरत तानों से नवाजा करती और अक्सर ही घर छोड़ने के लिए विवश करती। और एक खास बात और कि समीर के सामने तो करुणा से कुछ नहीं कहती और उसके पीठ पीछे ना जाने कितनी बातें सुनाती। और अभी कल की ही बात है, जब करुणा सारा काम समेट ही रही थी कि त्रिवेणी ने उसको बुलाकर कहा कि तुम अपना कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि तुम जिस कमरे में रहती हो वो हमको किराए पर उठाना है। अब तो करुणा भी त्रिवेणी की बातें सुन सुनकर पक चुकी थी, और आज वो त्रिवेणी से साफ साफ बात करने के मूड में नजर आई। मम्मी जी, घर आप ही ये मायके से लेकर नहीं आई थी? अब तो करुणा भी ढिठाई से बोली, दुटके की छोकरी मुझसे बहस कर रही है। त्रिवेणी बहुत ज्यादा बिफरते हुए बोली, मम्मी जी बहस करने के लिए आपने ही विवश किया है, और हाँ एक बात साफ सुन लीजिए, जब तक आप मेरा सारा सामान वापस नहीं करती तब तक मैं इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। आपने अभी तक मेरा सभ्य रूप देखा है, लेकिन अब आप मेरा दूसरा ही रूप देखेंगी, क्योंकि समीर के सामने तो आप बहुत अच्छी बनती हैं, और उसके पीछे आपका दूसरा ही रूप होता है। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि समीर को कुछ पता नहीं, जानते तो वो भी आपके स्वभाव के बारे में, लेकिन बस कुछ कह नहीं पाते, और अगली बार आपने कुछ कहा तो उनको दुकान से बुलाकर उनके सामने ही सारी बातें साफ करूंगी। इतना कहकर करुणा अपने कमरे में चली गई, और त्रिवेणी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि आज तो बहू ने उसको आईना दिखा ही दिया था, क्योंकि वो भी ये घर मायके से लेकर नहीं आई थी।
और उसके बाद उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि एक बार अगर करुणा की जुबान खुल गई, तो बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, क्या करुणा ने सही कदम उठाया? लाइक और कमेंट्स के द्वारा अवश्य अवगत करवाएगा। दोस्तों, ऐसी ही औसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल औसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।